यहाँ आकर क्लास ज्वाइन करें और देखें कि सर कैसे पढ़ाते हैं। स्टडी होती है वो डिफ्थ में होती है, मतलब हमने आज तक ये सुना था इंग्लिश ग्रामर या जो भी चीजें ये रटने वाली है, बट यहाँ पर आने के बाद मैंने सर के मुंह से एक बार ये चीज़ सर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कुछ दिन की खामोशी है फिर एक शोर आएगा, और कुछ दिन की खामोशी है फिर एक शोर आएगा। लोगों के तो समय आते हैं, हमारा पूरा दौर दिया जाता है। यहाँ पे इंग्लिश में हम लोगों को डेली एक वर्ड दिया जाता है जो कि याद करके आना होता है, जिससे हमारी वोकैबुलरी बढ़े यहाँ पे। और जब भी हेलो एवरीवन, मैं हूँ धीरज, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल करियर व्हील में। तो जैसा कि हम आ जाए हुए आरा डिस्ट्रिक्ट के शाहपुर प्रखंड के प्रखंड में, क्योंकि यहाँ पे करियर लॉन्चर नाम से यहाँ पे कोचिंग है, जो कि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ इसका उद्घाटन 2018 में पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के द्वारा करवाया गया था। और यहाँ पे कहा जाता है कि इस इलाके में जो कि करियर लॉन्चर है कि एक नया शिक्षा के ज्योत को जला रहा है। तो चलिए ये तो हम जानेंगे, टीचर और स्टूडेंट से ही पता चलेगा कि ये बात कितने इतना सही है। और हम जाएंगे और स्टूडेंट से ही बात करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है कि इंग्लिश के क्लासेस चलते हैं, फिजिक्स के भी क्लासेस चलते हैं, और 11 12 के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है। और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक डाल दिया है। क्लास से बाहर हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को देख रहे हैं कि मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि 11th और 12th का मतलब क्लास में जो है कि होमवर्क चेक होता है। और मुझे याद है कि 7th और 8th क्लास में जब मैं था तो मतलब क्लासरूम में हम लोग का होमवर्क चेक होता था। फर्स्ट टाइम मैंने अभी देखा है कहीं पे इन क्लास में के भी मतलब कि एक होमवर्क टेस्ट मतलब चेक होता है, और जो स्टूडेंट अगर नहीं बना कर लाता होमवर्क उसको एंट्री नहीं होता है। तो काफ़ी अच्छा है 11th 12th के लिए, स्टूडेंट के लिए काफ़ी बेनिफिट है। तो चलिए चलते हैं और क्लास में स्टूडेंट से बात करेंगे हम अभी। की क्लास में जा रहे हैं और वहाँ पे हम बात करने वाले स्टूडेंट से, तो चलिए हमारे साथ बने रहिए वीडियो में और बताइएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है। यहाँ हमारे साथ सर हैं और यहाँ पे स्टूडेंट हैं, तो आपको हम क्लास में है और यहाँ पे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पे आएंगे क्लास करने के लिए, कि जो कि एक शाहपुर का प्रखंड जो है काफी छोटा जगह है। और यहाँ पे सच में बताऊं कि मैंने सोचा था कि यहाँ पे 50-100 स्टूडेंट होंगे, लेकिन काफी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे कि सर जो है ऐसा क्या प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट को एजुकेशन। तो हम पहले सर से बात करेंगे, जानेंगे इनसे कि आखिरकार क्या बात है सर, क्या रीजन है कि यहाँ पे स्टूडेंट कहीं और जाने के वजह मतलब यहीं पे आते हैं पढ़ने के लिए। तो हम पहले सर से बात करते हैं और स्टूडेंट से भी रिव्यू लेंगे इनको कैसा लगता है। तो सर कहीं और जाने के बहुत सारे अभी स्टूडेंट मतलब कोचिंग होंगे यहाँ पे, बट वहाँ से जाने के वजह मतलब यहीं पे क्यों आना पसंद करते हैं? सबसे पहले तो मेरे सारे स्टूडेंट्स और मेरी ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, एक बार आप लोग भी ताली बजाएं। चीज ये है कि जो आप कह रहे हैं कि और बाकी संस्था में जाने के बजाय स्टूडेंट्स यहाँ पे क्यों आते हैं, तो इसकी सबसे बड़ा जवाब यह है कि हम लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे हार्ट से कनेक्टेड है। ये जो भी क्षेत्र है हमारा शाहपुर एक ग्रामीण क्षेत्र है, और यहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो किसान के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं, मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले एक मिशन रखा है कि जो शिक्षा है ये एक सेवा की भावना है। शिक्षा जो है वो किसी आर्थिक कमाई का साधन नहीं है। हम लोग यहाँ पे इतना एफोर्डेबल फीस रखते हैं कि हर घर का बच्चा
चाहे वो निचले तबके से आता हो, समाज के किसी भी वर्ग से आता हो, वो आसानी से हमारे कोर्सेज को एडॉप्ट करता है। इसके लिए हमारे सोसाइटी में हमको बड़ा क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि बड़े कम फीस में आप पढ़ाते हैं, लेकिन ये मेरा सिद्धांत है कि शिक्षा पाना सबका जन्मसिद्ध अधिकार है और शिक्षा सब तक पहुंचनी चाहिए। इस कारण से बच्चे हम लोग पसंद करते हैं। बाकी मैं और मेरी टीम बच्चों के साथ कनेक्ट रहते हैं, ना सिर्फ एक टीचर के लेवल पे बल्कि एक करियर मेंटर के लेवल पे, और फ्रेंडली बिहेवियर जो है ना हम लोग बच्चों के साथ रखते हैं। कभी भी डाउट्स पूछना हो क्लास के बाद, क्लास में क्लास के बाद घर जाते हैं तो उसके लिए हम लोग डाउट्स के लिए व्यवस्था अलग से करते हैं कि मतलब बच्चे खुल के मुझसे बात कर सके, मेरी टीम कि बच्चे हमसे पूछेंगे तो ही जाके बच्चों का बेहतर विकास होगा। इसी सिद्धांत को लेकर इस शाहपुर प्रखंड में हम लोग शिक्षा की ज्योति जला रहे हैं। बाकी आपके सामने मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप इन्हीं से बात कीजिए और देखिए कि इनका क्या कहना है हमारे बारे में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज रोशन। और सर सबसे बड़ा चीज होता है कि आखिर हम करियर लॉन्चर में क्यों आए और करियर लॉन्चर में भी हमें क्यों आना चाहिए। तो चूंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं तो सबल तर्क देते हुए यह साबित करना मेरा धर्म भी है, मेरे गुरुजी ने ऐसा बताया है। अच्छा। तो सर एक संस्कृत का श्लोक है, कहा जाता है कि संस्कृत में ऐसा सिस्टम है, ऐसा व्यवस्था है कि हर एक व्यक्तित्व की अपनी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, जैसे हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में होता है। बिल्कुल। तो सर शिक्षक का होता है कि विदित्वताम दक्षताम शीलम संघ क्रांति अनुशीलनम शिक्षकस्य गुण शब्द सचे तत्व प्रसन्नता। ये सात गुण यदि किसी भी व्यक्तित्व के अंदर दिखाई देते हैं तो वह शिक्षक के लिए एलिजिबल होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। सर सबसे बड़ा चीज होता है कि डेमो क्लास जो चलते हैं हमारे शाहपुर प्रखंड में वो 6 से 7 दिन के लिए चलते हैं, जबकि अजय सर ने अपने आप को समझने के लिए हमें 1 मंथ का समय दिया। उसमें यदि कोई वास्तविक विद्यार्थी है तो अपने शिक्षक का चुनाव अवश्य ही कर लेगा। सर हमको 1 महीना समय मिला, हमने अच्छे तरीके से सर को समझा और आज हम यह कह सकते हैं कि आने वाला जो हमारा रिजल्ट होगा 12th क्लास का वो अविश्वसनीय होगा और हम यह सिद्ध कर देंगे कि निचले स्तर से भी उठ करके कोई बच्चा बिहार पर अपना वर्चस्व और परचम लहरा सकता है। और सर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कुछ दिन की खामोशी है फिर एक शोर आएगा, और कुछ दिन की खामोशी है फिर एक शोर आएगा, लोगों के तो समय आते हैं, हमारा पूरा दौर आएगा। इसका रीजन था कि इसके पहले मैं करियर लॉन्चर के बारे में उतने से जानती नहीं थी, बट मेरे जो फ्रेंड्स थे या मेरे से जो एल्डर थे वो बताए कि आप करियर लॉन्चर में जाओ। मैं जब यहाँ पर आई तो मैं सबसे पहले यहाँ पर चीज पाई कि यहाँ पर जो स्टडी होती है वो डेप्थ में होती है। मतलब हमने आज तक ये सुना था इंग्लिश ग्रामर या जो भी चीज़ें ये रटने वाली है, बट यहाँ पर आने के बाद मैंने सर के मुंह से एक बार ये चीज़ नहीं सुना कि ये रटने वाली है। यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट दी जाती है और जिस भी स्टूडेंट के जिसके भी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं वो कभी फंसेंगे नहीं, और हमें यहाँ पर एक बेटर कॉन्सेप्ट मिलता है और बेटर टीचर मिलते हैं। हम यहाँ से टीचर से किसी भी क्वेश्चन को पूछने से डरते नहीं, ये नहीं सोचते कि क्लास में हमें कैसा फील होगा, रिग्रेट होगा, कुछ नहीं। हर स्टूडेंट कॉन्टेक्ट रहते हैं और सर से कोई भी क्वेश्चन ईजिली पूछते हैं और वो हमें ईजिली सॉल्व करके बताएंगे। नीतू यहाँ पे आपको क्लास करके कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे टेस्ट की बात करें तो कब होता है टेस्ट, कब होता है यहाँ पे टेस्ट? तो हफ्ते हफ्ते में होता है और बेस्ट है। आप बता देंगे यहाँ पे जो फी है मतलब कितना लगता है फी मतलब? सर ऐसे तो हम लोग मतलब जब स्टार्टिंग होता है तो हम लोग ऑफर में क्लास मतलब फी हम लोग को दिया जाता है, मतलब 9000-8000 ऐसे करके। अच्छा 9000-8000 लगता है। तो मतलब आपका क्या मतलब कि आपसे हम जानना चाहेंगे आप यहाँ पे क्लास कब ज्वाइन किए थे? मैं फरवरी में ज्वाइन किए थे। फरवरी से ज्वाइन करके मतलब कैसा लगता है, और मतलब उन स्टूडेंट को आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं जो यहाँ पे नहीं आए हुए हैं? सर मैं उन लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि सर बहुत अच्छे हैं और यहाँ आकर क्लास ज्वाइन करें और देखें। मतलब आपसे मैं जानना चाहूँगी यहाँ के नोट्स कैसे होते हैं सर, मतलब जो नोट्स बनाते हैं आप लोग को मतलब आपके लिए बेनिफिट होते हैं? बहुत अच्छा है। अच्छा यहाँ का नोट्स सब इंस्टीट्यूट से अलग होता है। अच्छा सबका नोट्स देखें हम कुछ सर का है ना बहुत सब लोग से बहुत यहाँ से 2 साल से पढ़ा। वैसे तो मैं सर से बहुत छोटा 5 क्लास से जुड़ा हूँ, सर के बारे में मैं क्या बताऊँ, मैं तो बचपन से सर साथ पढ़ रहा हूँ। सर पढ़ाने के लिए मतलब ऐसा मतलब बच्चों को समझाने के लिए अपना मतलब पूरा जोर लगा एकदम कलेजा निकाल के रख देते हैं बोर्ड पे कि ताकि लड़का लोग ऐसा ना हो ना कि यहाँ से यहाँ पे आप आते हैं बैठ जाइए कोई दिक्कत नहीं है। आप डिसेबल होते हुए भी मतलब यहाँ पे क्लास करने के लिए आते हैं, मतलब कि सर आपको ऐसा क्या मतलब प्रोवाइड करा एजुकेशन जो मतलब कि आप मतलब हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं और हमारे लिए भी सुविधा भी देते हैं कि सब बच्चों से मतलब कोई भी दिक्कत ना हो और अच्छे से पढ़ाते भी हैं। और यहाँ जो सबसे खास बात है कि यहाँ टॉपिक टेस्ट होता है और जो भी बच्चा
अच्छे अंक लाता है उसे प्राइज भी दिया जाता है। प्राइज भी मिलता है यहाँ पे। ओके खुशी, आप यहाँ पे किस चीज़ का क्लास करने के लिए आते हैं? हम यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश। अच्छा, तो कैसा लगता है आपको यहाँ पर? सारे सर का बिहेवियर अच्छा होता है, सारे सर अपने टाइम पर सिलेबस खत्म कर देते हैं और एक चैप्टर खत्म होने के बाद टेस्ट होता है, उसमें जो रिजल्ट आता है उस पर आप लोगों को। कृति, यहाँ पे आपको क्लास करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपका डाउट बचता है यहाँ पे या क्लियर हो जाता है? क्लियर हो जाता है, क्लियर कर देते हैं। सर बताए थे कि जब हम कोचिंग का शुरुआत किए थे तो उस समय सिर्फ 6 स्टूडेंट थे, लेकिन आज मतलब 4 साल के अंतर्गत बहुत बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पर। और सर का मानना है कि आने वाले 5 साल में वो हर एक जिले में कैरियर लॉन्चर को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि ये कैरियर लॉन्चर एक संस्था है जहाँ पे सारे टीचर के माध्यम से यहाँ पे एक डिफरेंट तरह की पढ़ाई होती है। यहाँ पे एक अलग अलग असाइनमेंट टॉपिक वाइज दिया जाता है। यहाँ पे इंग्लिश में हम लोगों को डेली एक वर्ड दिया जाता है जो कि याद करके आना होता है, जिससे हमारी वोकैबुलरी बढ़े यहाँ पे। और जब भी एक टॉपिक स्टार्ट होता है तो सर पहले ही बता देते हैं कि ये एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि तुम्हारे डिफेंस और जितने भी एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें अलग से डिफेंस के लिए कोर्स नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे कैरियर लॉन्चर में ये भी बेनिफिट है, हमें एक लेवल तक पढ़ाया जाता है जहाँ पे हम अपने बोर्ड तक सीमित रहते हैं, पर यहाँ पे हमें बोर्ड से अलग भी पढ़ाया जाता है जो कि बहुत ही कम कॉस्ट में दिया जाता है। ओके अभी मैंने यहाँ पे देखा कि जो भी स्टूडेंट आते हैं वो उनको मतलब कि होमवर्क मिलता है जो भी, वो मतलब पूरा करके आना होता है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने कभी होमवर्क पूरा नहीं किया हो तो सर ने आपको एंट्री नहीं दिया हो? अभी तक तो ऐसा मतलब हुआ नहीं है कि हमने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, लेकिन हाँ ये सच है कि जो भी होमवर्क मतलब कंप्लीट नहीं करता है सर उसको अंदर आने का परमिशन नहीं देते हैं। तो अभय मैं ये जानना चाहूँगा कि मतलब यहाँ पे बहुत सारे क्लासेस चलते हैं, इंग्लिश के बहुत सारे क्लासेस होंगे, बट आपको ये कैरियर लॉन्चर ही क्यों पसंद आया यहाँ पे? सर देखिए, हम लोग का आर्थिक स्थिति पहले तो इतना अच्छी नहीं है कि हम लोग आ रहे हैं पटना जा कर के पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, बट हम लोग खुश हैं कि सर हम लोग का आरा भी कोचिंग है इनका और यहाँ पर हम लोग इन सर से हम लोग पढ़ पाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आकर के मतलब अपने आप में कितना डेवलपमेंट नजर आया आपको? सर अपने आप में खुद से अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हैं। अच्छा, और सर मोटिवेट भी करते हैं आप लोग पढ़ाई करने के लिए? यहाँ पर मतलब अजय सर द्वारा इंग्लिश पढ़ाया जाता है और सलीम सर द्वारा केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है और प्रकाश सर द्वारा फिजिक्स पढ़ाया जाता है। ओके और इतना यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया जाता है ना कि आप कभी मतलब भूल ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल, और आप कभी जाकर अभी भी आप पढ़ा सकते हैं, मतलब इतना काबिलियत आप रख सकते हैं कि 10th क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अच्छा, क्या हुआ? ओके इनके पास हम आए हुए हैं और मेरा कुछ क्वेश्चन है जो इनसे हम जानना चाहेंगे, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने मतलब कि आपके इतना कम एज है और उस इतने कम एज में आपने टीचिंग लाइन को ही क्यों चुना, और वो जो फिजिक्स है मतलब फिर उसमें भी फिजिक्स जो कि काफ़ी हार्ड सब्जेक्ट है, तो मतलब आप स्टूडेंट को कैसे समझा पाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो फिजिक्स एक हार्ड सब्जेक्ट है, ये एक कल्पना इमेजिनेशन है, ये गलत है। दूसरी चीज़, टीचिंग जो है ये हमारा प्रोफेशन है, और जब हमने BSc किया तो उसके बाद ही फिर हमें ये लगा कि मैंने टीचिंग करना ही अच्छा होगा, और इसके लिए फिर प्रॉपर वे से हम उसी समय से ऐड हो गए। दूसरी बात, एक हमने देखा अपने टाइम में जब हम ISc में थे खुद, और उसके बाद फिर जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो एक चीज़ हमने देखा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको फिजिक्स से बहुत डर लगता है। जो फिजिक्स है वो हिस्ट्री नहीं है, उसको रटा नहीं जा सकता और उसको समझा जा सकता है, और हम जो पढ़ाते हैं वो स्टूडेंट को यही लगता है कि जो स्टूडेंट है वो उसको ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीका से समझ पाए, और उसको अगर हम प्रैक्टिकली कराते हैं और दिखाते हैं बच्चों के अंदर, एक चीज है अगर वो उसके अंदर क्यूरियोसिटी हो जाएगी उस चीज को समझने की,
तो हमसे भी बेहतर समझ सकता है किसी भी चीज को। तो हमारा मेन पर्पस ये होता है कि हम बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी लाएं कि जैसे कोई भी टॉपिक अगर हम डील करते हैं लाइक लाइट, तो लाइट अगर हम डील कर रहे हैं तो उसमें बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी ये होनी चाहिए कि वो खुद से पहले एक बार समझने की कोशिश करें कि वो क्या है और इसकी क्या यूजेस है। और जो फिजिक्स है वो तो हमारे एवरीडे लाइफ में है, हम लोग रोज देखते हैं इसको, तो इससे बच्चों को समझना काफी ज्यादा इजी हो जाता है। और अगर उस वे से स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं तो उनके लिए भी ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इसलिए और ये कैरियर हमारा हमने इसी में अपना कैरियर इसलिए यूज किया है। उसके बाद देखा कि ये जो है इसमें यंग जो स्टूडेंट्स हैं या फिर यंग जो टीचर हैं वो अभी अपना नहीं दे पा रहे हैं। ये जो होता है ये लास्ट प्रोफेशन में इसको लोग चुन रहे हैं। अगर हमने देखा कि अगर हम इसको फर्स्ट में अगर इसको हम लोग चूज करते हैं तो इसके बाद हो सकता है कि फ्यूचर में यंग स्टूडेंट्स हो या यंग जो टीचर हैं वो भी इसमें अपना कैरियर यूज करें। तो इसके लिए हमने चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करें काफी अच्छा लगा और काफी इजी वे में हमको समझ में आया, तो स्टूडेंट को आप समझ सकते हैं कि आप काफी अच्छे से समझा पाते हैं। थैंक यू सो मच। तो अभी हम केमिस्ट्री वाले सर हैं जो हमारे साथ हैं, तो सर सबसे पहले हम आपको वेलकम है चैनल में सर, और हम यहाँ पे आए हुए हैं सर यहाँ पे सापुर में हम आए हुए हैं, और यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे देखे कि काफी अच्छा एजुकेशन जो है कि स्टूडेंट को मिल रहा है। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सर मैं मुझे सोर्स से मालूम चला कि आपने दो जॉब छोड़ दिए गवर्नमेंट जॉब छोड़ करके और आप टीचिंग लाइन को मतलब चूज किए और वो भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट को जो कि काफी बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, पढ़ने वाले भी बोर हो जाता है, तो सर आप इसको कैसे मैनेज करते हैं, कैसे स्टूडेंट को समझा पाते हैं इस सब्जेक्ट को? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू धीरज जी और आपके यूट्यूब चैनल करियर विल को और उनके सबसे चाहने वाले सब्सक्राइबर को मेरे दिल से धन्यवाद, थैंक यू दे रहा हूँ। हाँ, जहाँ तक बात रही केमिस्ट्री चुनने की, तो मैं इस करियर लॉन्चर के टीम से बहुत पहले से जुड़ा हुआ था। जब मेरी जॉब लगी तो ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कुछ मिस कर रहा है मेरे लाइफ से, क्योंकि मैं जॉब करने के लिए नहीं बना हूँ, कुछ और करने के लिए बना हूँ। तो जब मैं सापुर में आया तो मुझे यहाँ पे केमिस्ट्री की बहुत क्राइसिस मिली। क्राइसिस इस मामले में कि जो भी बच्चे आते थे वो बोलते थे कि सर केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा, सर केमिस्ट्री ऐसा है, सर केमिस्ट्री वैसा है। तो तब मुझे लगा कि नहीं, बच्चों को वाकई केमिस्ट्री की ज़रूरत है और केमिस्ट्री देनी चाहिए। तो जहाँ तक बात है इस बोरिंग सब्जेक्ट को ईजी बनाने की, तो मैं खासा प्रयास करता हूँ कि बच्चों को विजुअलाइज करा पाऊँ और सबसे बड़ी चीज़ रियल लाइफ से रिलेट करा पाऊँ। क्योंकि एक टॉपिक आता है क्लास 11th में जिसमें कहता है कि देयर इज़ नो लाइफ पॉसिबल विदाउट केमिस्ट्री। तो जब केमिस्ट्री के बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है तो अनलाइफ जीनी है बच्चों को, तो उनके बस जीवन से रिलेटेड कर करके मैं टॉपिक को देता रहता हूँ। कोई भी ऐसा टॉपिक विदाउट एनी स्टोरी में कवर ही नहीं करता, यानी सबसे पहले उसके ऊपर एक स्टोरी रहेगी ताकि उसका पूरा मुखड़ा समझ में आ जाए बच्चे को कि इसमें हमें क्या पढ़ना है और स्टोरी किसको अच्छा नहीं लगता। तो बच्चों को मैं खासा करिए मैंने हमेशा स्टोरी, जब भी मेरी टॉपिक स्टार्ट होती है, कोई भी एक सेक्शन स्टार्ट होता है, तो उससे पहले उससे रिलेटेड उसका टॉपिक से स्टोरी चलता है। तो यहाँ पे शाहपुर में जितने भी टीचर रहे हैं सारे टीचर के स्टूडेंट्स मेरे पास आते रहे हैं और उनका ये रहा कि सर अभी तक का जो भी रहा है केमिस्ट्री सबसे खराब रहा है, लेकिन आपके आने से हम लोगों को ये लग रहा है कि सर अब कुछ कुछ बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। तो बस यही मेरा मोटिव रहता है कि बच्चों को विजुअलाइज कराया जा सके, उस चीज को उनकी जिंदगी से रिलेट करके पढ़ाया जा सके, और इस तरीके से मैं केमिस्ट्री को यहाँ पे आगे लेके चलता हूँ। ओके, थैंक यू।